हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारे पे जो मैच होने वाला है वो यहाँ पर होगा हमारा पंजाब किंग वर्सेस हमारा केकेआर के बीच में। सो फिलहाल अभी गाइस यहाँ पर को जो शिखर धवन है वो तो फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है मैच में, आज के मैच में वापसी आ जाए। जो भी है, फिलहाल के लिए आपको जो कप्तान करते हुए नजर आएंगे वो यहाँ पे सैम करन, बंद ओपनर प्लस यहाँ पे चार ओवर पूरा बॉलिंग, काफ़ी आपको यहाँ पे गजब का प्लेयर यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो आज मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से स्मॉल में, तो खैर आपको पता चल गया कि, लेकिन ग्रैंडिंग में आप क्या यहाँ पे लेके जाओगे एज अ सीवीसी, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सो बात करेंगे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल की। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े दोस्तों, वो वहाँ पर को जाके जुड़ जाना। लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रिंट बोर्ड में। यहाँ पर हमारा फाइनल टीम अपडेट, टीम न्यूज, सीवीसी पिक, ये सारा आपको वहाँ पर को मिल जाता है। बात करोगे यहाँ पे पॉइंट्स टेबल की। सो पॉइंट्स टेबल के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालो। अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी आरसीबी वर्सेस एसआरएच का मैच नहीं हुआ है, और हो भी जाएगा तो कौन सा यहाँ पे क्या करेंगे वो, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि आरसीबी यहाँ पर को ऊपर उठ पाएगी। केकेआर की बात करूँ, नंबर दो पर को है और पंजाब यहाँ पर को नंबर नाइन पर। सो काफ़ी वन साइड यहाँ पर आपको मैच देखने को मिलेगा। सो टीम भी अपनी कुछ उसी तरीके से बनाना, ये मत चले जाना कि यार पंजाब के यहाँ पर कुछ प्लेयर अच्छे हैं नहीं है। सो गाइस, जो केकेआर आप देख सकते हो, रन रेट उनका देखो 1.2, बाकी और किसी का इतना बढ़िया यहाँ पे रन रेट आपको देखने को नहीं मिलता। एसआरएच जो इतनी अच्छी बैटिंग करी, उसका भी यहाँ पे 0.914 आपको वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। सो बैट वहाँ पे रन रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और अगर कभी रन रेट में ऐसा मामला फंसता भी है तो वहाँ पे आगे निकल जाएंगे। सो अभी यहाँ पे प्ले ऑफ तो वैसे क्वालिफाई कर ही जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर को आगे की तरफ। यहाँ से आप देखोगे केकेआर और हमारी जो सेकंड टीम है। सो पहले यहाँ पे आपको केकेआर से तो कोई ऑरेंज कैप का प्लेयर आपको नज़र नहीं आता है, और ना ही आपको यहाँ से कोई पंजाब की तरफ से ओनली हर्षल पटेल आपको वहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। बाकी जो इनके मेन प्लेयर्स हैं, जो विकेट टेकिंग बॉलर्स होने वाले हैं, वो अभी आपको बताऊँगा वो कौन यहाँ पे हो सकते हैं। इसके बाद आप बात करें हमारी आज की पिच की। सो ये हमारा मैच खेला जाएगा केकेआर पर, ईडन गार्डन कोलकाता। यहाँ पर को लास्ट मैच जो था वो आरसीबी और केकेआर का था, 222-221। आरसीबी ने पूरी यहाँ पे जान लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी बस एक रन इनका यहाँ पे कम रह गया था, और करण शर्मा जैसा प्लेयर मिचर स्टार को वहाँ पे छक्के मार गया। सो अभी यहाँ पर को जो जिन्होंने मिचर स्टार को ज़्यादा टाइम पहले नहीं देखा, या फिर अभी अभी हम पे उसको देखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको बता दूँ स्टार्क वो प्लेयर नहीं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। कभी उसका अगर आपको देखना है ना पुरानी यहाँ पे जरा हाईलाइट चेक कर लेना, किस लेवल का प्लेयर है मिचर स्टार्क। सो बाकी बात करूँ यहाँ पे रन तो खैर बनने काफ़ी अच्छे, लास्ट के 8 मैच देखते हैं 58 विकेट यहाँ पे मिले हमारे पेसर्स को, 36 विकेट यहाँ पे मिले हमारे स्पिनर्स को। बाकी वेन्यू की बात करूँगा तो 90 मैच यहाँ पे जहाँ खेले गए, जहाँ पे 38 मैचेस विन करे हैं बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने, और जो चेजिंग वाली टीम है उन्होंने यहाँ पे 52 मैचेस यहाँ पे विन करे हैं। बिलो स्कोर की बात करूँ 150 के नीचे, तो आपको 27 टाइम्स आपको देखने को मिलता है। 150-170 की बात करूँ 19 टाइम्स है, 170-190 27, और 190 के ऊपर आप देखोगे 17 टाइम्स आपको ये स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आगे चलेंगे, जो 21 अप्रैल को यहाँ पे जो एक मैच हुआ था आरसीबी केकेआर का, तो वहाँ पर पेसर्स को तो हेल्प है, लेकिन स्पिनर्स को भी एक अच्छी हेल्प मिल जाती है, और बाकी अगर आप देखोगे तो लगभग सभी मैचेस में स्पिनर्स को हेल्प मिल ही रही है। पेसर्स को मिलती है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्पिनर्स आपके लिए काफ़ी डिफरेंशियल यहाँ पे काम करके जाते हैं। सो इसलिए स्पिनर्स को आपको लेके जाना है। मैं भी आपको आगे बताऊँगा कौन सा वहाँ पे स्पिनर जो आपको अच्छा काम करते हुए नजर आएगा। बात करूँ फॉर्म की, सो फॉर्म यहाँ पे देखो पंजाब का इतना अच्छा तो खैर नहीं है। सो अभी तक सारे मैचों में उन्होंने लॉस करे, आरसीबी से थोड़ा सा आप ऊपर चल रहे हैं, और हेड टू हेड में अगर देखो 32 मैच खेले गए, जहाँ पे 21 मैच विन करें केकेआर ने और 11 मैच विन करें यहाँ पर को पंजाब ने। सो ये रही है अभी तक यहाँ पर को कहानी। अब यहाँ से आप बात करेंगे आगे, देखो यहाँ पर को सबसे ज़्यादा विकेट किसने निकाले, हमारा लेग ब्रेक बॉलर ने 21 विकेट यहाँ पर उन्होंने निकाले, और अगर बात करूँ पेसर्स की तो 24 विकेट यहाँ पर मिले हमारे राइट आर्म को, और लेफ्ट आर्म को 19 विकेट। लेफ्ट आर्म में अर्शद पिक आपके लिए काफ़ी यूनिक और एक डिफरेंशियल पिक यहाँ पर को रहने वाला है, बहुत कम लोग उसको लेके आएंगे। चलते हैं आगे की तरफ में। सो वहाँ से देखो अब हेड टू हेड के डाटा, हेड टू हेड में आपको यहाँ पे शिखर धवन तो फिलहाल भी है नहीं, जितेश शर्मा, राहुल चेर, नीतीश राणा, अंद्रेसल एंड वरुण चक्रवर्ती आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे सैम करन, शिखर धवन, अर्शिप सिंह, वेनकेट सिंह यहाँ पे 34, अंद्रेसल 35 और वरुण चक्रवर्ती 1। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो आपको हमेशा एक कॉमन आपको यहाँ पे पिक नजर आता है, ठीक है। एक राहुल चेर में कहाँ पे दिखे थे, यहाँ पे भी इनका यहाँ पे नाम आता है यहाँ पर भी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि पिच के ऊपर में पिच किस तरीके से यहाँ पे काम करेगी। अगर पिच स्लो होगा तो यहाँ पे वो अच्छा काम कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको नहीं। अभी ऐसे आगे चलते हैं तो ये देखो गाइस, आपका जो स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बैटिंग प्रोस्पेक्टस से। जॉनी बेस्टो 73 के एवरेज से यहाँ पर उन्होंने रन बनाए हेड टू हेड में। फिल शॉर्ट की बात करूँ उन्होंने यहाँ पे 47 के एवरेज से रन बनाए। आंध्र रिसल की बात करूँ 408 रन है 45 के एवरेज।
सैम करन एक 39 के एवरेज है एंड सीरीज 36 का एवरेज। तो यहाँ से जितने आपको प्लेयर दे रहे हैं सबको वहाँ पे बैक करके जाओ। चलते वेन्यू की तरफ में। सो फिल शॉर्ट 67 के एवरेज है। जितेश शर्मा थोड़ा सा अभी एक फॉर्म इसका अच्छा नहीं चल रहा है। रिंकू सिंह की बात करूँ और गाइस यहाँ पे देखो रिंकू सिंह को ना वो बैट मिल गया जिसके पीछे पूरा वो पागल हुआ पड़ा था। वहाँ पर आरसी वर्सेस केकेआर का मैच चल रहा है। बंदा अपनी टीम के साथ वहाँ पर को सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो वहाँ पर को कोहली के साथ लगा पड़ा है कि बैट मिल जाए मिल जाए। लेकिन आखिरकार उसका भी एक क्लिप वहाँ पर वायरल हुआ था जहाँ पर उसको वहाँ पर बैट मिल चुका है। सो बात करें यहाँ पे जॉनी बेस्टो की, तो जॉनी बेस्टो यहाँ पे 39 रन, उसके बाद अनंत रसल की बात करूँगा 40 मैच और 908 रन 37 का एक यहाँ पे एवरेज उसका रहा है। सो अनंत रसल आज दोबारा मेरे को लगता है एक सेफ सी वी सी ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बनेगा। चलते बॉलिंग सेक्शन की तरफ में। तो बॉलिंग की अगर बात करूँ यहाँ पे हेड टू हेड आप देखोगे सुनील नारायण 24 मैच 33 विकेट है, अनंत रसल 14 मैच 15 विकेट, कैप्टनसी भी आप लेके जा सकते हो। राहुल चेहर 9 मैच 14 विकेट, हर्षल पटेल 12 मैच 13 एंड रबाडा 9 मैच 12। वेन्यू की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे सुनील नारायण आंध्र रसल दोनों आज दोबारा से एक सेफ सी वी सी यहाँ पे आपको पिक नजर आते हैं। वरुण चक्रवर्ती 12 मैच 16 विकेट हैं, हर्षित राणा के 6 मैच 11 विकेट, वैभव अरोड़ा 7 विकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ में। तो देखोगे यहाँ से केकेआर की प्लेइंग 11, फिल शॉर्ट नारायण, रघुवंशी, वेंकटेश, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंध्र रसल, रमनदीप, मिचेल स्टार्क, राणा एंड वरुण चक्रवर्ती आपको देखने को मिलते हैं। सो यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो जो हमारे दोनों ओपनर्स हैं ना इनको आपको मस्ट पिक लेके जाना और इवन नारायण को तो आपको यहाँ पे सी वी सी लेके जाना। अभी भी काफ़ी लोगों का जो सोच रहे होंगे यार 10 रन बना के गया और उन्होंने उनको सी वी सी नहीं करा होगा बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन भाई साहब उसका चैप्टर पहले इनिंग में क्लोज नहीं होता, उसके बाद सेकेंड इनिंग में वहाँ पर उसका मौका है, वो 2 विकेट यहाँ पे आराम से निकाल के चला गया था। और लास्ट में जब आप देखोगे यहाँ पर भी 2 विकेट है, विकेट से वो कंसिस्टेंट निकाल ही रहा है। अगर बैटिंग से आपको बोलूँगा 30 रन भी दे जाए तो कैप्टन के लिए तो अच्छा ऑप्शन बन ही जाता है। सो इसलिए नारायण को सी वी सी से मत हटाना। अब बात करते हैं से रघुवंशी और वेंकटेश, दोनों को आप यहाँ पर ड्रॉप करके जाओगे। दोनों का अगर मैं फॉर्म देखूँ तो कुछ खास यहाँ पर नहीं रहा है, सो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं दोनों गाइस, तो इनको यहाँ पर आप हटा के जाओ। इसके बाद बात करूँगा श्रेयस अय्यर की। तो श्रेयस अय्यर यहाँ पे आप देखो 50 रन यहाँ पे स्कोर करके गया है और मैंने आपको बोला भी था यहाँ पर कोई ये भली स्ट्राइक रेट कम रखेगा लेकिन आपको रन्स बना के देखे जाएगा। और आपकी फैंटेसी की टीम में आपको चाहिए क्या, बस आपको रन्स चाहिए। आपको ये तो है नहीं कि यार वो कितना स्लो खेल रहा है, उसकी टीम हारी है जीत रही है, आपको फैंटेसी में उसके पॉइंट नहीं मिलते, आपको मिलते हैं रन्स के पॉइंट। आप रन से मतलब रखो, ऑरेंज कैप भी रन्स को देख के मिलती है, स्ट्राइक रेट को देख के नहीं। चलते हैं पर रिंकू सिंह की तरफ में। तो इसकी यहाँ पे आज बैटिंग आ सकती है जल्दी और यहाँ पर कोई थोड़ी सी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता है, इसको टीम में लेके जाना। आपके लिए ट्रंप बोल लो, डिफरेंशियल बोल लो, जो मर्जी वो बोल लो, ये आपके लिए यहाँ पे रहेगा। चलते हैं यहाँ से आंध्र रसल की तरफ में। सो लास्ट मैच से इसने अपना कमबैक करा, इसलिए मैं आपको बोलूँ आज के मैच में परफेक्ट एक सी वी सी ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आता है। रमनदीप सिंह को हम यहाँ पे ड्रॉप करके जाएंगे, कुछ इतना अच्छा ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, अब अगर देखो यहाँ पर को राणा और यहाँ पे जो मिचेल स्टार्क है ये आपको पावर प्ले में पूरा जोर डालते हुए नजर आएंगे। और आप सभी लोगों को पता है जो पंजाब का बैटिंग ऑर्डर है उनकी जो बैटिंग होती है वो 4 विकेट खोने के बाद से चालू होती है। शुरू के 4 विकेट तो ऐसे दान देते हैं ना, मतलब इतने बड़े वो दानवीर कर्ण हुए जैसे। सो स्टार को भी यहाँ पे आप 2 विकेट मान के चलो और राणा को भी यहाँ पे 2 विकेट ले लो। चलो ये पावर प्ले की बात कर रहा हूँ, डेथ में तो खैर फ्री मिल ही जाएंगे। अब यहाँ से चलेंगे आगे, तो यहाँ से वरुण चक्रवर्ती फिलहाल अभी मेरी लिस्ट में नहीं है। सुयाज शर्मा वो फॉर्म पे नहीं है जो 2023 में था। आगे चलते हैं स्टार्टिंग और देखो यहाँ पर को मिचेल स्टार्क जैसा आपको मैंने बताया एंड हर्षित राणा, नारायण आपको यहाँ पे नजर आते हैं, मिचेल स्टार्क, राणा एंड आंध्र रसल आपको नजर आएंगे। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे की तरफ में, तो प्रेडिक्ट इंपैक्ट प्लेयर के यहाँ पे सुयाज शर्मा आपको ऑप्शन नजर आते हैं। पेस अगर वहाँ पर हुआ तो अरोड़ा वहाँ पर आपको आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा बॉलिंग में रिस्क मत लेना, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, 2 ऑप्शन है उनके पास। फिल शॉर्ट का जो मैचअप है वो यहाँ पे बरार के आगे और यहाँ पे सैम करन के आगे। वेंकटेश की बात करूँ अर्शित भी इनको यहाँ पे लेके जा सकता है जल्दी और वैसे इनको कोई भी यहाँ पे लेके जा ही सकता है, बैटल किसी का भी इतना अच्छा नहीं है। अय्यर की बात करूँगा हर्षल पटेल से थोड़ा सा खतरा है, बाकी अगर बात करूँ सैम करन से कुछ खास ऐसा इशू हुआ नहीं, 26 रन बनाएगा तो बहुत है। राहुल चेहर से यहाँ पे 3 बार आउट हुए हैं। नारायण की बात करूँगा, नारायण यहाँ पे रबाडा से 2 बार आउट हुए और अर्शित सिंह से 1 बार आउट हुए। सो मैं फिर भी यहाँ पे नारायण से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30 रन तो बनाई दे कम से कम। इसके बाद यहाँ आगे चलेंगे आंध्र रसल का जो बैटल देखोगे, हर्षल पटेल, हर्षल पटेल आज दोबारा से एक अच्छा काम कर सकता है, रवाड़ा पिटेगा। और अर्शिफ की बात करूँगा तो यहाँ पे एक ठीक काम कर जा रहा है, सैम करन भी यहाँ पे 2 विकेट निकाल के गया है। रिंकू सिंह की बात करूँगा तो इसको यहाँ पर को जो मेनली इशू है वो राहुल चेहर से हुआ है, बाकी हर्षल पटेल के आगे 27 रन है और वहाँ पे इतने अगर ये कर जाए रिंकू सिंह तो फिर वहाँ पे बल्ला थोड़ा उसका सेट हो जाता है, फिर वहाँ पे वो अच्छे से मारेगा। चलिए चलते हैं आगे, पंजाब की प्लेइंग 11 देखेंगे। रिले रॉसो, सिमरन सिंह, सैम करन, जितेश, लियाम, शशांक, रबाडा, हर्षल पटेल, हरप्रीत बरार, अर्शिप सिंह एंड आशुतोष शर्मा। तो दोस्तों देखो ये क्या है,
रिले रोसो को आज के मैच में ट्राई कर लेना। ये बंदा 10 में से एक मैच में चलने वाला प्लेयर है, पहले आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन उन्हें ग्राइंडिंग में कहीं पे सीवीसी लेके चले जाना, क्योंकि जिस दिन चलेगा ना एक तरफा चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और हो सकता है ना भी चले, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आज के मैच में ना थोड़ा सा ये या फिर अगले मैच में ये परफॉर्म करेगा, आपको 100% श्योर। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। देखो यहाँ पर को लास्ट के 5 मैच में बिल्कुल इसका बल्ला रहा है खामोश, ठीक है। एक मैच होता है इम्पैक्ट डाल के जाएगा ये रिले रोसो, इतना तो यहाँ पे मान के चलो। चलते हैं सिमरन सिंह की तरफ में। तो सिमरन यहाँ पे आप देखते हैं 35 और फिर यहाँ पे 0-10। सो इसका कुछ खास फॉर्म आए थे ना लास्ट मैच में, इसको ये फ्लॉपी समझ रहा था और वहाँ पे बस एक 35 रन देखे गया। हेड टू हेड में 13 का एवरेज है और वेन्यू की बात करूँ तो 12 का एवरेज। सो टोटली फ्लॉप है। सो मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ, स्मॉल लीग में तो आपको इनको लेके जाने की जरूरत है ही नहीं। सैम करन देखो अगर ओपन आता है तो वैसे भी यहाँ पे वन डाउन में आ रहा है, तो कैप्टन से यहाँ पे इसको लेके जाओगे या वाइस कैप्टन आप कर लो, क्योंकि अगर आप उधर से रसल या फिर नारायण को करो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर ये भी ओपन में हुई सैम सर नारायण वाला इसका हिसाब है, 30 रन स्कोर कर दे, 2 विकेट लेके जा रहा है तो परफेक्ट काम बन जाता है। जितेश शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, ड्रॉप करके आपको जाएंगे। देखो अननेसेसरी रिस्क आपको नहीं लेने, आपके जो कोर प्लेयर हैं अगर आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना 7-4 का भी, तो KKR की तरफ से ज़्यादा प्लेयर रखो। यहाँ से बस चुनिंदा आपको वहाँ पे प्लेयर मैं आपको बताता हूँ। बात करते हैं यहाँ से आगे, इसके बाद में लियाम को आप यहाँ पे बैक कर सकते हो, एक ऐसा प्लेयर जिसको आप यहाँ पे लेके जाएंगे पंजाब की तरफ से। पंजाब की तरफ से आपको थोड़ा सा गिने चुने प्लेयर ही आपको दिखाई देते हैं। शशांक सिंह की बात करूँ, इसने ना हेड टू हेड में 2 मैच खेले लेकिन दोनों मैच यहाँ पे फ्लॉप रहा था, इसलिए शशांक का अगर आप ओवरऑल ऐसे फॉर्म देखते हो तो अच्छा फॉर्म आ रहा है, लेकिन KKR के सामने थोड़ा सा घुटने वहाँ पे टेक देता है। अब बात करो आशुतोष शर्मा की, आशुतोष शर्मा में यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी थी वो यहाँ पर को थोड़ा फ्लॉप रहेगी, लेकिन आज के मैच में 30+ रन तो इससे आप एक्सपेक्ट कर ही लेना। अब बात आती है पाजी की। सो पाजी का सिलेक्शन अभी यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है और बनता विकेट टेकिंग है, और आपको हमेशा बताया जब भी कोई विकेट टेकिंग बॉलर थोड़ा सा फ्लॉप होना तो उस पर नज़रें बना लो, ये आपको अच्छा काम करके देखे जाएगा। इसको आपको बैक करके जाना है, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो चाहे मिनी ग्रैंड लीग हो, एक ऑप्शन इसको यहाँ पे जरूर लेके जाना। चलते हरप्रीत बरार, ये तो वैसे भी यहाँ पे मैं फ्लॉप लेके जाऊँगा। हर्षल पटेल मेरे लिए मस्ट पिक यहाँ पर को रहने वाला है बंदा, आप देखोगे ना कंटिन्यूस यहाँ पे एकदम वहाँ पे विकेट्स निकाल के जा रहा है। प्लस अगर आप देखोगे वेन्यू रिकॉर्ड, प्लस वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इसके फेवर में जा रही हैं। बात आती है रबाडा की। रबाडा देखो अगर आप स्मॉली खेलो तो वहाँ पे आप मस्ट पिक लेके चले जाना, अदरवाइज ये मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि नाम बड़े ठीक है और यहाँ पे काम छोटे वाले आपको यहाँ पे प्लेयर नजर आता है, तो इसलिए मैं इतने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा, ऐसे नहीं बोलूँगा सीवीसी करो। अगर आप ड्रॉप कर सकते हो तो ग्रैंड या मिनी ग्रैंड में वहाँ पे आप करके जाओ एकदम श्योर। इसके बाद अब चलते हैं स्टार्टिंग में रबाडा, हर्षल पटेल, अर्षिप सिंह। डेथ ओवर की बात करूँ तो अर्षिप, रबाडा, हर्षल पटेल एंड हरप्रीत बरार आपको दिख जाते हैं। सो बात करूँ अगर यहाँ पे इम्पैक्ट की, सो इम्पैक्ट में आपको हरप्रीत सिंह एज अ बैटिंग से वहाँ पे आए थे। इसके बाद बैटल देखते हैं, बैटल में यहाँ पे रिले रोसो आंद्रेसल का आगे यहाँ पे 72 रन बना के, इसलिए मैंने आपको बोला रिले रोसो का हो सकता है दिन चले, बाकी कोई और बॉलर इसको आउट करके नहीं किया। लियाम की बात करूँ, वरुण चक्रवर्ती से दिक्कत है और नारायण से। सिमरन सिंह, हर्षित राणा इसको आउट कर गया। उसके बाद में बात करूँ सैम करन को यहाँ पे खास वैसे दिक्कत हुई नहीं, ओनली यहाँ पे सुया शर्मा से इनको ऐसा इशू हुआ है, बाकी अगर बात करूँ आंद्रेसल से यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी गए हैं। आगे चलेंगे यहाँ पर को, जितेश शर्मा वरुण के आगे आउट हुए, शशांक का कोई अभी तक बैटल यहाँ पे रजिस्टर है नहीं। इसके बाद बात करूँगा इस हमारी आज की टीम की, तो टीम में देखो हमारे पास फिल शॉर्ट है, रघुवंशी भी नहीं होगा, और गाइस ये देखो एक डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक आपको मिल जाएगा उसका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अय्यर, नारायण, रसल, लियाम, सैम करन, रबाडा, वरुण की जगह पे यहाँ पे मिचर स्टार को आप बैक कर लेना। इसके बाद अर्षिप सिंह, रबाडा की जगह पे आप यहाँ पे हर्षल को लेके जा सकते हो या फिर आप रघुवंशी की जगह पे हर्षल को लेके चले जाना, बाकी यहाँ से आपको एच रन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन नारायण, रसल भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सैम करन, आपको यही 3 दिखेंगे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।